डरते थे, कोई डरे लोग कोई नहीं डरते आप डरते आ जाओ यार, अरे आ जाओ अभी लास्ट वाला गुड टू सी यू। खतरा खतरा में आप आए हो, प्रतीक तो काफी बार आ चुके हैं। बिल्कुल गाना सुपर हिट के लिए गाना प्रमोट करने के लिए पहले दोनों गाने yes. क्या कुछ कहना चाहो, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो अंदर जाने के लिए? बहुत ज्यादा। जब मेरी मॉम को पता चला तो मम्मी ने बोला भाई के साथ तो रोज़ ये खतरा खतरा मैं घर पे करती हूँ, क्योंकि ये सब काम हम बचपन से आशु और मैं करते हैं। तो जब शो आया भी था लिटरली मेरा भाई और मैं देख के भी लाइक ये वही सब चीज़ें कितना, बिकॉज एक शो आया करता था टकेशी'स कासल, वो वाला वाइब इसमें आता है एंड ऑब्वियसली भारतीयन हर्ष किल इट, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उससे भी ज़्यादा स्पेशल चीज़ है कि गाना जो मेरे दिल के इतना करीब है उसे प्रमोट करने आया एंड प्रतीक भी साथ में होगा, तो वो तो खैर इस शो का मैं कल उसको बोली थी जवाई बन गया तू शो दा क्योंकि वो कितनी बारी आ चुका है, बट या वेरी वेरी एक्साइटेड। एंड व्हाट डू यू वांट टू से टू बैक सुपर हिट सॉन्ग विद द सोनी म्यूजिक, हैट्रिक की चांस कितनी दिखती है? हैट्रिक की अभी जो तीसरा गाना आ रहा है, हैट्रिक मतलब सोनी म्यूजिक के साथ, तो खैर मेरे सारे गाने उन्हीं के साथ आए हैं, बट आस्था के साथ एक जो एक मेरा गाना आया था नागिन, तो उसके प्यार को देख के हम फिर से एक साथ आ रहे हैं वायु और मैं और आस्था, तो है सरप्राइज बहुत बड़ा उसमें, तो होपफुली हैट्रिक हो जाए, बट फिलहाल तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये दो गानों को इतना प्यार मिला। एंड हर्ष जी भी है, हाल ही में उनको बीबी हुआ yes. है, क्या कुछ कहना चाहोगे पहले सबसे मिलके, सबसे पहले क्या बोलोगी? उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई विश भारती भी होती उनसे मुलाकात होती, बट डेफिनेटली जल्द ही वो उन्हें अपना और अपने बेबी का फिलहाल ख्याल रखना चाहिए। एंड हर्ष को मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं उनकी फ़ैन रह चुकी हूँ दोनों की, उनके कपल की भी और उनकी भी, तो मिलके बस यही बोलूँगी कि क्या बात है, मतलब आपने देखना चाहेंगे आपने क्या क्रिएट किया है छोटू। और कुछ दिन के बाद रणबीर और आलिया की शादी होने वाली है, हाँ। अगर आपको किसी से चांस मिला दूल्हे की तरफ से, दुल्हन की तरफ, किसके तरफ से जाओगे आप? ये जो ख्याली पुलाव आप जो पका रहे हैं बहुत सुनकर अच्छा लगा, बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, तो मुझे यही मैंने उस दिन एक पोस्ट पढ़ा था आलिया और रणबीर की शादी की सारी डिटेल्स इस पोस्ट में, और राइट में जब किया तो अपना काम करो आपको नहीं बुलाया है, बट डेफिनेटली मैं दोनों, मैं उनकी वीडियोस देख रही थी और मैं ऐसी हूँ जो मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद है, तो मुझे तो बड़ा ही क्यूट लगता है दोनों की पूरी, मैंने देखी एक कोई इंटरव्यू देखा वो उसे ऐसे पॉकेट से कुछ निकाल के, इट्स वेरी क्यूट, सो आई एम वेरी हैप्पी दो ऐसे टैलेंटेड इंसान जो टॉप के हैं शादी कर रहे हैं, तो मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि इनकी जो बच्चे होंगे कितने टैलेंटेड होंगे। एक क्यूट कपल से एक क्यूट गाना आप सुना दीजिए। अच्छा उनके लिए? हाँ। वो बोलेंगे कौन क्यों ये, अच्छा चलो आपका कोई भी डेफिनेटली शादी का माहौल है तो अपना शादी वाला ही गाना, जग दे अके ए किससे खुल देने दुनिया छड़ के जो दिल विच बस जाए लाखों में भी यार वो मिलते नहीं हो कमले
दिल के कहंदा सुन ले हो रांझे इश्क देता गे बुड़ ले। ठीक है तैयार हो जाओ अभी मैं फटाफट चलो जल्दी मिलते हैं। ये भी दिखा दो पैर पे चोट लगा के आई हूँ मैं आज पता नहीं क्या होगा फिर गिरा ये मुझे होता रहता है मैं गिरती रहती हूँ शो पे और गिरने आए यहाँ ठोकरे खाने चलो सी यू गाइस बाय पीछे 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 अच्छा जी।